हेलो एवरीवन मैं हूँ आयुषी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल आयुषी वुमेन एम्पावरमेंट में अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें सो so, आज मैं जा रही हूँ अपने हेयर्स को चेंज कराने एक न्यू लुक क्रिएट करने मीन्स कैरेटिन कराने सो so, मैं पहुंच रही हूँ पार्लर और मैंने सोचा क्यों ना पूरी की पूरी प्रोसेस आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए तो ये व्लॉग है पूरा का पूरा मेरे कैरेटिन का सो so, ये मैं, मैंने जहाँ से करवाया है उस पार्लर का नाम है केश काया यूनिसेक्स सैलून ये बहुत ही अच्छा काम इन्होंने किया मैं पहुँच गई थी एट थर्टी पर और एट थर्टी टू थ्री थर्टी इन्होंने मुझे दिया प्रॉपरली तो ये मेरा बिफोर लुक है इस तरह के मेरे हेयर्स थे एंड आफ्टर लुक आपको ऑब्वियसली ब्लॉग के एंड में मिलेंगे तो आपको ब्लॉग लास्ट तक देखना है और मेरे प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करना है सो so, जो फर्स्ट स्टेप इन्होंने प्रोसेस किया था वो था हेयर वॉश तो ये इन्होंने बहुत ही प्यार अच्छे से हेयर वॉश किया आफ्टर डेट पूरे के पूरे हेयर्स को मेरे ड्राई किया ना, जैसे कि मुझे कलर करवाना था तो जो अभी ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ है कलरिंग का स्टार्ट हुआ है तो कलर भी इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से किया जैसे हम लोग घर पे फटाफट फटाफट कुछ भी कर लेते हैं और रेडी हो जाते हैं इस तरह से उन्होंने नहीं किया आप देख सकते हैं कितने प्रॉपर तरीके से और ये कुछ मसाज भी करते हैं उस पर जब ये कोई भी प्रोडक्ट को लगवा रहे थे तो वो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सिंग था तो मैंने कहा था ना कि जो प्रोसेस हो रही थी कलरिंग की वही बहुत लंबी प्रोसेस थी तो जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा कैरेटिन के साथ वो अभी तो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट लग रहा है अब देखते हैं हेयर्स डैमेज होते हैं या रिपेयर रहते हैं या कितने वक्त तक ये रहता है वैसे तो भैया ने कहा है कि ये पूरा वन ईयर मतलब सिक्स मंथ तो प्रॉपर रहता है लेकिन अगर हो सकता है हेयर्स में अच्छा रहे तो ये एक साल भी अच्छा रहेगा सो लेट्स सी कैसा रिजल्ट रहता है लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें जो चाहिए होता है डेट इज़ पेशेंस मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मैं पाँच घंटे कैसे बैठूंगी बट मेरे को जितना परेशानी लग रही थी कि कैसे कटेगा टाइम इतना ज़्यादा हुआ नहीं क्योंकि ऑब्वियसली मैं व्लॉग क्रिएट कर रही थी तो ब्लॉग भी क्रिएट हो गया बीच बीच में काम भी कर रही थी ऑफिशियल वर्क भी कर रही थी और बातें भी करते जा रहे थे तो मतलब हो गया टाइम कट गया पाँच घंटे का तो ये मेरा कलरिंग का प्रोसेस पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है और कलरिंग करने के बाद कम से कम एक से डेढ़ घंटा शायद डेढ़ घंटे एक घंटा तो करीबन मैं बैठी ही थी तो बस इस पोज में काफ़ी देर तक बैठे रहना पड़ा फिर जब कलरिंग हो चुका है तो जैसे मैंने बताया था उन्होंने जितनी बार भी प्रोसेस किया उतनी ही बार उन्होंने कलरिंग प्रॉपर करी सो तो ये आप देख रहे हैं जो मेरे हेयर्स पे वॉश हो रहा है ये जो कलर उन्होंने अप्लाई किया था वो कलर वॉश हो रहा है एक्चुअली मेरे ग्रे हेयर्स का प्रॉब्लम था तो मेरे को कलरिंग कराना सबसे ज़्यादा मस्ट था तभी मैं कैरेटिन करा सकती थी कलरिंग करने के बाद भी वो शैम्पू से प्रॉपरली हेयर वॉश करते हैं अब ये सेकेंड स्टेप मतलब ये तीसरी बार धुल रहा है एक बार मैं वॉश करके आई थी फिर उन्होंने हेयर वॉश किया था अब कलरिंग हुआ है तो कलर के बाद इन्होंने हेयर वॉश किया अब जो प्रोसेस है वो नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होती है जैसे मेरे हेयर्स पूरे स्टार्ट हो जाते हैं तो ये जो प्रोडक्ट उन्होंने यूज़ किया है वो उन्होंने जूम करके दिखा दिया आई थिंक ये कैरेटिन है तो ये कैरेटिन अप्लाई कर रहे हैं और इसके बाद बिल्कुल भी कैरेटिन से पहले भी कुछ ना हो ये स्मूथनिंग वाला प्रोसेस है तो ये स्मूथ करने के लिए हेयर्स को स्मूथ करने के लिए उन्होंने केमिकल लगाया है तो इसको बहुत ही ज़्यादा ये मसाज करते हैं और इसके बाद बिल्कुल आप हिल डुल नहीं सकते बिल्कुल सीधे के सीधे बैठना होता है क्योंकि आप थोड़ा भी अगर हिलते हैं तो आपके हेयर्स में वेव्स आ जाते हैं तो ये देखिए इसी पोज में करीबन आधे से अप्रॉक्सीमेट थर्टी टू तो फोर्टी फाइव मिनट्स मुझे बैठना था इसके बाद अगेन वॉश हेयर वॉश और फिर से इसके हेयर वॉश के बाद मुझे जो व्यू था जब मेरा हेयर वॉश हो रहा था तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना मैं रिकॉर्ड कर लूँ अब हो रहा है कैरेटिन तो कैरेटिन के लिए उन्होंने ये प्रोडक्ट यूज़ किया और ये अब मेरा जो लास्ट स्टेप है डेट इज़ कैरेटिन तो कैरेटिन कराते टाइम तक तो मेरी ऐसे हो गया था कि यार अब क्या तो करें और जैसा मैंने बताया कि बिल्कुल स्ट्रेट बैठे रहना होता है अब कुछ भी नहीं कर सकते सो so कैरेटिन हो चुका है कैरेटिन होने के बाद ये आयरन होता है आयरनिंग भी कम से कम आधे से थर्टी टू फोर्टी फाइव मिनट होती है और ये है मेरा फ़ाइनल लुक अभी इसमें थोड़ा सा प्रोसेस और बाकी है तो वो मैं अब ब्लॉग में नहीं लूँगी जो सर ट्रिमिंग करना है फिर हेयर वॉश होता है तो आ, उसके बाद भी उनको कुछ कुछ करते हैं तो वो आप जो भी करेंगे वो एक दो दिन बात करेंगे दो दिन बात करेंगे सो so, बस ये था मेरा ब्लॉग और यह मेरा फाइनल लुक है तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि कैसा लगा आप लोगों को मेरा न्यू लुक